हेलो फ्रेंड्स, सो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 26, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में हमें क्या करना है, एक डेटा टाइप में अगर हमने कोई वैल्यू असाइन की है तो उसको हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं, यूजिंग टाइप कन्वर्जन। तो ये हम देखेंगे। हम अपनी बुक ओपन कर देते हैं बाल गुरु स्वामी, और इसमें देखिए हमने लिखा है INTM, तो ये टाइप इंटीजर है। फ्लोट लिखा है एक्स इक्वल टू 3.14, m इक्वल टू x अगर हम लिखते हैं तो m हो गया इंटीजर टाइप, x हो गया फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बहुत सारे टाइप है, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टाइप टू क्लास टाइप, कन्वर्जन फ्रॉम क्लास टाइप टू बेसिक टाइप, एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टू क्लास टाइप। तो इसमें हमें क्या करना है, हम लिखेंगे स्ट्रिंग कोलन कोलन स्ट्रिंग कैरेक्टर एस्ट्रिक ए। तो हमने लिखा लेंथ इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ए, पी इक्वल टू न्यू कैरेक्टर लेंथ प्लस वन, strcpy दैट इज स्ट्रिंग कॉपी पी कॉमा ए। तो एक बार हम प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है int ए इक्वल टू 10 डबल बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर डबल में जब कन्वर्ट होता है तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है, बिकॉज जो इंटीजर का साइज है दैट इज ओनली 4 बाइट्स, डबल का साइज 8 बाइट है, इसलिए हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लिखते हैं डबल बी इक्वल टू 10.5, ए INT ए इक्वल टू बी जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, INT विद इन ब्रैकेट एंड देन बी लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं INT ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, बिकॉज इम्प्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लिखेंगे विद इन ब्रैकेट INT और फिर बी। तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो डबल से फ्लोटिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कर रहे हैं बेसिक कन्वर्जन और फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ऐसे ही हमारा हमने कंस्ट्रक्टर यूज करके भी कन्वर्जन कर सकते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के कन्वर्जन हैं, आप इसको धीरे धीरे एक एक करके सीख सकते हैं जैसे आप इसे यूज करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।